साइंस की किताब में बेटा अध्याय 10 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 10 में आप देख रही हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। बेटा कौन से आंदोलन में? स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश। हमारे प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है बेटा, तो मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या क्या योगदान दिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 के पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इनमें से दो के बारे में नीचे दिया हुआ है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर एक, राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। कौन थे राजकुमार चैन सिंह? अब आप अपनी किताब में बेटा ध्यान से पढ़ें। नरसिंहागढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मेंडॉक ने अपमानित किया था। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच सन 1824 में भीषण लड़ाई हुई। अपनी मुट्ठी भर वीर साथियों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। बेटा दूसरा है क्रांतिकारी बुंदेला विद्रोह। मध्य प्रदेश की धरती पर ही बुंदेला विद्रोह हुआ। मध्य प्रदेश की धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला सन 1840-1842 में धरती, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर के आसपास के गांवों के बुंदेला राजपूत गोंड तथा लोदी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया था। अंग्रेज सत्ता के खिलाफ युद्ध किया। इनमें मदनपुर के ढिल्लन शाह, हरीशपुर के राजा हिरदेशाह, जैतपुर के राजा परीक्षित तथा चिरगांव के जागीरदार राव बसंत सिंह।